नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां सादियाबाद थाना क्षेत्र के पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक 312 बोर और एक अन्य असलाह बरामद किया। साथ ही एक मोटरसाइकिल और दूसरे के नाम पे कुछ एटीएम और पैन कार्ड भी बरामद किए। ये लुटेरे बहरियाबाद के हकीमपुर निवासी वकील अमरनाथ और नसीरपुर के विनोद कुमार से 24 अक्टूबर को खेतापुर बाजार के साथ लूट किया था, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा किया जा रहा था। दोनों लुटेरों को एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। पुलिस को सर मिली है, किससे कमी, क्या मामला सर? ये 24 तारीख को एक वकील साहब के साथ एक घटना हो गई थी। जब वो वापस घर जा रहे थे तो दो लड़कों ने उनको रोककर लूटपाट की थी उनके साथ, जिसमें उनके लगभग 8,600 रुपये, उनका एटीएम कार्ड, अन्य पहचान पत्र तथा उनका मोबाइल छीन लिया था। इस संबंध में उचित धाराओं का मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इंस्पेक्टर शादियाबाद और यहाँ सर्विलांस टीम ने काफ़ी प्रयास करने के बाद ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो इस प्रकार की घटना कर सकते थे। डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के बाद उन्हें और अच्छी तरह से चिन्हित किया गया और उन्हें गिरफ्तार करके उनके पोजीशन से जो लूटे गए एटीएम कार्ड थे वो बरामद किए गए हैं। जो मोबाइल लूटा गया था उसके संदर्भ में भी सर्विलांस टीम लगातार काम कर रही है और शीघ्र ही मोबाइल भी बरामद किए जाएंगे। ये घटना बड़ी सनसनीखेज थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने रोजी रोटी के बाद वापस जाता है तो हमको सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है कि वो सुरक्षित अपने घर पहुँचे। इस अनावरण से आसपास के जो अपराधी हैं उनमें एक सही संदेश जाएगा कि पुलिस सक्रिय है और अगर कोई घटना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पेट्रोलिंग और पिकेटिंग के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को अवॉइड किया जाएगा। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।